डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन को डिस्कस करेंगे अगर हम ये कहें कि कोई भी एनिमल किंगडम फाइलोफाइलेटिक है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई जितने भी फाइला हैं दे मस्ट हैव सेपरेट औरिजन या कुछ साइंटिस्ट ये भी कह देते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फाइला जो हैं दे आर हैविंग मल्टीपल औरिजन और अगर हम ये कह दें कि मुख्तलिफ़ फ़ाइल जो हैं उनकी मल्टीपल औरिजन है तो फिर इसके अंदर जो कन्सैप्ट है इंडिपेंडेंट uh, औरिजन का वो नॉर्मली स्मॉल हो जाता है कुछ जोलॉजिस्ट ये भी कह देते हैं कि एनिमल किंगडम जो है इसके अंदर पोलीफाइलेटिक कन्सेप्ट के अलावा एक और भी कन्सेप्ट है जिसको हम कह देते हैं डाईफाइलेटिक अब डाईफाइलेटिक का क्या मतलब है इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास फाइलम पॉरीफ्रा है दैट इज़ यूजली डिराइव्ड सेपरेटली फ्राम ऑल अदर फाइला ऑफ द एनिमल किंगडम या जो पॉरीफ्रा है इसकी सिमिलरिटी किस वजह से हो सकती है कि इसके अंदर जो सेल्स जिनके बारे में हमने पढ़ा क्वेनोसाइड्स, क्विनोफ्लैजिलेट्स बाकी किसी भी फाइलम के अंदर इस तरह के सेल्स का जिक्र नहीं आता तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी एंसेस्ट्री जो है दैट कैन बी इंडिपेंडेंट फिर कुछ जोरोजिस्ट ने इस बात पर भी यकीन कर लिया कि अगर ये जो स्पॉन्ज हैं इनकी कॉमन एंसेस्ट्री है तो ये भी हो सकता है कि इनके रिमोट इन्सेस्टर्स जो हैं वो बाकी एनिमल्स के साथ लिंक्ड हों लेकिन इसके अंदर जो अमीबॉयड और फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ऐसे ही सेल्स हमें हायर एनिमल्स में भी नज़र आते हैं तो ये एक इन सेल्स की मौजूदगी भी एक और स्पोर्ट है इस बात की कि इन सब एनिमल्स के कॉमन uh, एनसेस्टर होगा या इनकी एनसेस्ट्रल हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है वन थिंग जो कि हमें ये बताती है जिसके ऊपर सारे के सारे जोअलॉजिस्ट साइंटिस्ट ये एग्री करते हैं कि फाइलम पोरीफ्रा जो है दिस इज़ नॉर्मली द एनिमल दे आर सेट टू बी दैविंग द एवोल्यूशनरी डेड एंड्स कि इनके फाइलम पोरीफ्रा पे एक तरह सा एवोल्यूशन का एंड जो है दैट इज़ फिनिश्ड अगर दोनों रिजन्स को हम एज्यूम कर लें जिनके बारे में हमने अभी बात की तो हम ये कह सकते हैं कि जो पोरीफ्रा के अलावा बाकी एनिमल्स जिनको हम नॉन पॉरीफ्रंस कहेंगे दे आर यूजअली उनकी जो लिनिएज है दैट इज़ क्वाइट डिबेटेबल। अब फर्दर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अभी जो हमने थेरी की बात की इसकी इंटरप्रटेशन जो है वो मुख्तलिफ तरह से दी कुछ साइंटिस्ट uh, ने हमें ये कहा कि इस बात की एक इंटरप्रटेशन ये भी हो सकती है कि जितने भी अन्सेस्ट्रल एनिमल्स हैं ये रेडियली सिमिट्रिकल एनिमल्स से इवॉल्व किए यानी इनका एनसेस्टर जो है वो रेडियली सीमेट्रिकल हो या इन टर्न जो है दे कैन बी एवॉल्ड फ्राम द फ्लैजिलेट कॉलोनियल फ्लैजिलेट्स विच इज सिमिलर टू द वॉल दैट वॉज सीन इन केस ऑफ फाइलम प्रोटोजा अगर ये ट्रू है तो हम ये कह सकते हैं कि रेडिएटा फाइला जो है नाइडेरिया और टीनोफिरा दे आर नॉर्मली क्लोजली रिलेटेड टू वन अन अदर हैविंगा सिंगल कॉमन एंसेस्टर। इस डायग्राम से आप देखें कि यहाँ पर रेडियल सिमिट्रिकल प्लेनुलर लार्वा कनाइडोसाइट्स जिनकी पिछले लेक्चर्स में हमने बात की उनकी ओरिजिनेशन है पॉलिप प्रेजेंट हैं गोनेड्स एंडोडर्मल इन औरिजन है सेप्टर डिवाइडस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पॉलिप स्टेज रिड्यूस्ड रोपेलियम इज प्रेजेंट लॉस ऑफ मेडूसा स्टेज बर्डिंग ऑफ पॉलिप मैं दूसरा क्यूबाइडल अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ क्लासेस आप देखें एंथोजवा क्यूबिजवा साइफजआ अदर हाइड्रोजा हाइड्रोजा और इसके अंदर ट्रैकी लाइन हाइड्रोजा तो ये सारे एनिमल्स जो हैं इसके अंदर फाइलोजेनेटिक कंसिड्रेश्स में दे आर हैविंग अ सिंगल लीनियज एंड देन ईच कलास इट्स ऑन औरिजिनेशन इसके बाद कुछ जोलोजिस्ट ने फर्दर इस बात को यू एक्सप्ल किया कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि एंसेस्टर्स जो थे दे आर डिराइव फ्राम द बाइलेट्रल्स मेट्रिकल फॉर्म तो इसके अंदर जो बायोलेटरल एंसेस्टर्स हैं दे केन गिव राइज टू बहुत टाइप्स ऑफ लारवा रेडिएटा लारवा और बायोलेटरल लारवा इस इंटरप्रटेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि रेडिएटा फाइला जो है दे आर फर्दर रिमूव्ड फ्राम द बेस ऑफ द एवोल्यूशनरी ट्री अब ये क्लासिकल इंटरप्रिटेशन जो है हमें क्लास हाइड्रोजुआ के एनसेस्ट्रल रेडियल एनिमल्स के साथ जो है क्वाइट एविडेंट महसूस होती है किस तरह से कि इनकी एनसेस्ट्री जो है दिस इज़ सजेस्टेड बाय मैडूसा बींग द अडल्ट बॉडी फॉर्म इन केस ऑफ हाइड्रोजुआ और इसमें

अब साइफोजोआ किबा दे आर क्वाइट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एंथोजोआ बाय द एवोल्यूशनरी रिडक्शन ऑफ पॉलिप स्टेज कुछ क्लासेस में और बाकी की क्लासेस में जो मेडूसा हैं उसकी आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन होती गई तो एवोल्यूशनरी लीनिएज के अंदर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिडक्शन होती गई उनकी रिडक्शन होने के बाद भी एनिमल के एंसेस्ट्रल हिस्ट्री के अंदर ये एनिमल्स अपने आप को स्ट्रक्चरली अगेन अपियर करवा के ये हमें शो करते हैं कि नॉर्मली एनिमल्स दे आर हैविंग फाइलोजेनेटिक लीनिएज विद वन अनदर